हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ विद नेहा। मैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं नेहा। तो दोस्तों, मैं आप सभी के साथ आज एक ऐसी रेसिपी शेयर कर रही हूं जो कि यूपी बिहार साइड की बहुत ही फेमस रेसिपी है और जो कि छठ पूजा के टाइम पर ज़्यादातर बनती है। और ये रेसिपी है ठेकुआ की। तो आज ठेकुआ बना रही हूँ मैं और आपके साथ शेयर कर रही हूँ। होप करती हूँ आपको वीडियो देखकर अच्छा लगेगा, और लगेगा तो प्लीज़ एक लाइक कर देना और लास्ट तक जो है वीडियो देखना, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए मैं प्रोसेस बताती हूँ किस तरीके से मैंने बनाया है। और यहाँ पे देखिए, मैंने लिया है काजू और एक जो सूखा नारियल आता है तो वो मैंने लिया है, और यहाँ पे देखिए किशमिश लिया है मैंने। इन सभी चीज़ों को जो है मैंने बारीक बारीक से कट कर लिया है। नारियल जो है सूखा नारियल मैंने उसको हाफ ही यूज़ किया है, और काजू और किशमिश को भी अच्छे से धो के इसको कट कर लिया है। और उसके बाद यहाँ पे मैंने यूज़ किया है गेहूं का आटा, जो कि ये गेहूं के आटे से ही बनता है। आप चाहे इसको मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन गेहूं के आटा से ही ये बहुत अच्छा बनता है। तो यहाँ पे मैंने 2 कटोरी करीब गेहूं का आटा लिया है। और साथ साथ मैंने यहाँ पे चीनी 1/4 करीब चीनी यूज़ किया है, जो कि दानेदार है। और दानेदार चीनी यूज़ करने से क्या होता है ना, इसमें थोड़ा सा क्रंचीनेस आता है तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। आप चाहे तो चीनी को पीस कर भी यूज़ कर सकते हैं, और आप अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप चीनी को स्किप करके गुड़ या आप खजूर भी डाल के इसमें ऐड कर सकते हैं, तो भी बहुत अच्छा लगता है। और देखिए, मैंने यहाँ पे ऐड किया है 3 बड़े चम्मच करीब घी, जो कि ये मैंने घर पे बनाया हुआ घी है। तो घी ऐड करने से क्या होता है ना, एक बहुत ही अच्छा मोयम आपका बनता है। घी यूज़ करना पूरा ऑप्शनल है, आप चाहे तो इसमें रिफाइंड ऑयल भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए, मैंने 1 पिंच करीब बेकिंग सोडा यूज़ किया है। बेकिंग सोडा भी ऑप्शनल है, आप चाहे तो स्किप कर सकते हैं। और इसको जो है पूरी अच्छी तरीके से मिक्स कर लेना है। और ये अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद देखिए, हाथ में अगर आपके ऐसे लड्डू जैसे बनते हैं तो मतलब कि आपका ये मिक्सअप अच्छे से हो गया है। और उसके बाद जो है हमें इसका नेक्स्ट प्रोसीड्योर करना है। देखिए कितने अच्छी तरीके से ये डो बन रहा है। इसी के साथ साथ मैं यहाँ पे ऐड करूँगी इलायची का पाउडर, इलायची कुटा हुआ इलायची। आपके पास अगर इलायची का पाउडर है तो आप उसको भी ऐड कर सकते हैं। मैंने ये जस्ट इलायची के जो दाने हैं उसको क्रश कर लिया है और इसको ऐड कर दूँगी इसी में। इससे क्या होता है ना, एक अच्छी सी खुशबू आती है, खाने टाइम आपको बहुत अच्छा लगता है। और जितने ड्राई फ्रूट्स मैंने कट करके रखे हुए थे तो सारे जो है मैं इसमें ऐड कर लूँगी, और इन सबको भी अच्छे से मिला लूँगी। इन सभी चीज़ों को ऐड करने के बाद लास्ट में मैं ऐड करूँगी सौंफ। इस सौंफ जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है, आप इसको स्किप ना करें। और देखिए, सारी चीज़ जो है मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। जितना आप इसको अच्छे से मिक्स करेंगे उतना अच्छा आपका ये खस्ता जो है डो वो बनेगा। तो अच्छे से मिक्स कर लेना है, पूरे अच्छे से इसको मिक्स अप करने के बाद मैं यहाँ पे ऐड करूँगी डो बनाने के लिए दूध। आप चाहे तो इसको पानी से भी डो बना सकते हैं, लेकिन दूध से अगर डो बनाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। और दूध मैं यहाँ थोड़ा थोड़ा करके ही ऐड करूँगी, क्योंकि हमें जो है सख्त वाला जो है वैसा डो चाहिए। और चीनी जो है अपना खुद का पानी भी छोड़ता है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि डो जो है वो थोड़ा सा सख्त हो, और धीरे धीरे ये खुद ब खुद चीनी पानी छोड़ते जाएगा तो ये नरम पड़ता जाएगा। तो इस तरीके से मैंने डो इसको बना लिया है अच्छे से, और इसको जो है मैं 10 मिनट के लिए ऐसे रेस्ट में छोड़ दूँगी। और ये देखिए, 10 मिनट के बाद मैंने थोड़ी सी लोई ली है और इसको डिज़ाइन देने की कोशिश की है एक फोक से। फोक की सहायता से मैंने थोड़ा सा डिज़ाइन बनाया है। आपके पास अगर इसका साझा है तो आप उसी से बना सकते हैं, नहीं तो आप इसको फोक के मदद से जैसे मैंने बनाया है आप देखो उस तरीके से आप इसको डिज़ाइन दे सकते हो, या नहीं तो आप ऐसे ही बना के खा सकते हैं, वैसे ही टेस्ट आएगा। डिज़ाइन से क्या होता है ना, देखने में लुक अच्छा आता है, तो इसीलिए डिज़ाइन देते हैं। और साथ ही साथ मैंने देखिए तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया था, और थोड़ा सा जो है एक लोई का टुकड़ा डाल के मैंने देखा है कि तेल कितना गर्म है, तो एकदम लो फ्लेम में इसको फ्राई करना है, डीप फ्राई करना है। और इसीलिए मैंने पहले एक जो ठेकुआ है वो इसमें डाल के इसको पका लूँगी, उसके बाद ही मैं बाकी जो है ठेकुए वो फ्राई करूँगी। तो एक देखिए एक साइड पक गया है, तो थोड़ा सा मैंने पलट के इसको फिर से पकाया है। और ये डिज़ाइन देखिए कुछ इस तरीके के मैंने फोक से बनाए डिज़ाइन है।
आप चाहे तो इसको फ्रेम के थ्रू भी डिज़ाइन दे सकते हैं, साझा है तो आप उससे भी कर सकते हैं। तो कुछ इस तरीके के मैंने डिज़ाइन बनाए हैं और कैसा लग रहा है आप ज़रूर मुझे कमेंट करके बताना। और ये जो है ठेकुआ की रेसिपी है बहुत ही इजी है, आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, तो ये बहुत ही टेस्टी बनता है। और ये जो रेसिपी है ठेकुआ जो है वो एक बिहारी कम्युनिटी की एक स्पेशल डिश है जो कि ओनली छठ पूजा के टाइम ही बनाया जाता है। ये आप ऐसे भी बना के इसको खा सकते हैं। और ये देखिए फर्स्ट वाला जो है हमारा ये फ्राई हो गया है, बहुत ही अच्छा कलर आया है, गोल्डन ब्राउन होने तक हमको फ्राई करना है। और मैंने यहाँ पर फर्स्ट जो स्लॉट है वो इसको फ्राई कर लूँगी। तो देखिए एक एक करके मैंने यहाँ पर है, और जो कि फर्स्ट टाइम पलटने में बहुत ही दिक्कत होती है, तो यहाँ पे देखिए मैंने लो फ्लेम पर ही इसको फ्राई किया है और फोक की मदद से ही मैं इसको पलटूंगी। और जो कि बहुत ही सॉफ्ट बनता है इसलिए फोक के थ्रू ही करना बेटर होता है, और बाद में आप इसको करछी से भी कर सकते हैं। तो फोक के थ्रू अगर करते हैं तो एक एक करके टूटने का डर नहीं रहता है। और ये देखिए कलर इसका चेंज हो रहा है, थोड़ा सा जो है डार्क ब्राउन कलर हो जाए तब इसको मैं फ्राई करके निकालूँ। बार बार पलट पलट कर इसको फ्राई करने से बहुत ही क्रंचीनेस होता है और अंदर भी अच्छे से कुक हो जाता है। और इसको एक बार फ्राई होने के लिए कम से कम 4 से 5 मिनट करीब लगते हैं पूरा इसको कुक होने तक। तो इसको देखिए ये कलर जो है बहुत ज़्यादा चेंज हो गया है, धीरे धीरे करके चेंज आ रहा है। इस अच्छे से कुक होने के बाद देखिए इसका कलर जो है चेंज हो गया है, गोल्डन ब्राउन कलर आ गया है। तो इसको जो है मैं अभी निकाल लूँगी। ये खस्ता होने के कारण आप इसको बहुत दिनों तक आराम से खा सकते हैं, 15-20 दिन तो आप आराम से इसको एयरटाइट कंटेनर में रख के खा सकते हैं इसको। ठेकुए का कलर देखिए कितना परफेक्ट कलर आया है और ये क्रंचीनेस भी वैसा ही होता है। और यहाँ पे जो है मैं सेकेंड वाला स्लॉट फ्राई कर लूँगी। और इन्हें भी मैं लो मीडियम फ्लेम पर अच्छे से कुक कर लूँगी। और देखिए यहाँ पे जो सारे ठेकुआ थे और सारे के सारे मैंने फ्राई कर लिया है, टोटल इसमें 40 मेरे ठेकुए बने हैं। 2 कटोरी गेहूं के आटे से मैंने 40 करीब ठेकुआ बना लिया है। ये एक्चुअली बिहारी कम्युनिटी का एक स्पेशल डिश है जो कि छठ पूजा के टाइम ही ज़्यादातर बनाया जाता है, आप ऐसे भी घर पर बना के खा सकते हैं। और देखिए ये अंदर देखिए कितने अच्छे से कुक हुआ है, मैं आपको तोड़ कर दिखा रही हूँ, बहुत ही परफेक्ट बने हैं। आप इसको चाय के साथ भी खा सकते हैं, बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है ये। और आप लोग ज़रूर कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये वाली रेसिपी कैसी लगी। अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर देना, शेयर करना अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ। और जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, और पास में जो बेल आइकन है उसको प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक करें, और तभी जो है मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।